हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे गोयल एल्युमिनियम के बारे में, जिसमें अपर सर्किट कब लगेगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को क्विकली रिकवर करने में हेल्प करते हैं। मैंने कल जो जैकपॉट शेयर दिया था उसने आज ही 10% दे दिया, सभी लोग प्रॉफिट में निकल गए। ऐसे ही शेयर में देता हो तो इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने जो 3 दिन पहले शेयर लिया था, जो पोर्टफोलियो हमारे पास है, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करते हैं, उसमें हमने बाय किया था, 3 दिन में 10% का रिटर्न दे दिया उस शेयर ने, तो आप सोचिए कितना क्विकली उनका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बढ़ चुका है। ऐसे ही शेयर्स हम लोग आपके पोर्टफोलियो में लेते हैं जो कि सेफ भी होते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा देते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं है आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने का, या आपको जजमेंट नहीं है कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है, तो आप आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम को दे सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी एडवांस पेमेंट करना नहीं है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको प्रॉफिट होने के बाद हमारे टीम को देना है। फ्रेंड्स, गोयल एल्यूमिनियम जिसका आज का रेट था, आज एक्चुअली ऊपर गया था, 13.40 रुपीज़ तक गया था, बाद में फिर से लोअर सर्किट लग गया, 12.75 रुपीज़ में क्लोजिंग दिया है। बट आज अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, NSE पर अराउंड 50 लाख शेयर ट्रेड हुए, BSE पे अराउंड 12 लाख शेयर ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 62 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज गोयल एल्यूमिनियम में। ऐसे ही बड़ा वॉल्यूम 3 दिन पहले भी हुआ था, जब हमें आशा थी कि दूसरे दिन घूम जाएगा, बट सेलिंग प्रेशर आप लोग घटा नहीं रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप आपका सेलिंग का ऑर्डर घटाइए, सेलिंग का ऑर्डर घटाएंगे तो ही ऑपरेटर लोग बाय करके उसको घुमाएंगे। आप सेलिंग का ऑर्डर लगा के रखोगे तो नुकसान आपका होगा, 1-2 दिन की बात है, इसके बाद में शेयर घूम सकता है। उन्होंने उस दिन भी बाय किए थे 3 दिन पहले, आज भी काफ़ी क्वांटिटी बाय की है और वो घुमा सकते हैं, बट अगर आप बार बार इसको जो है ऑर्डर लगा के रखोगे सेलिंग की, तो इतने कम रेट में नुकसान में बेचना पड़ेगा। 1-2 दिन वेट कीजिए, आपका शेयर घूम जाएगा, फिर से ऊपर सर्किट शुरू हो जाएगा तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो एम ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर मत लगाइए गोयल एल्युमिनियम में, क्योंकि अभी 12 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस पर अभी से भी घूम सकता है। आज 12.75 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है, मंडे को करीब करीब 12 रुपीज़ पर पहुँच जाएगा, हो सकता है मंडे को भी घूम सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी यह है कि सेलिंग ऑर्डर गोयल एल्युमिनियम पर ना रहे, तो इसीलिए आप उस बात का ध्यान रखकर ऑर्डर नहीं मत लगाइए, कैंसिल कीजिए ऑर्डर आपका और वेट कीजिए। मंडे ट्यूसडे कभी भी शेयर घूम सकता है, क्योंकि अभी भी आज वॉल्यूम अच्छा आया है। किसने बाय किया, क्या किया, मैं रात को देख के आपको फिर से बताऊंगा, रात को वीडियो बनाकर या कल उसको भी जाकर ज़रूर देखना। बट अभी आशा तो लग रही है कि जो हिसाब से आज वॉल्यूम में बड़ी जंप आई है, 62 लाख शेयर्स आज वॉल्यूम में हुआ है, वो हिसाब से लग तो रहा है कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में हमें गोयल एल्युमिनियम का शेयर घूमते हुए दिख सकता है। तो इतने दिन आपने वेट किया है, 2-4 दिन और सही, शांति रखिए, सेलिंग की कोशिश मत कीजिए, सेलिंग ऑर्डर मत लगाइए, जितनी सेलिंग ऑर्डर कम रहेगी उतना जल्दी ही घूम जाएगा। क्योंकि देखिए, इतना वॉल्यूम होने के बावजूद भी NSE पर आज भी मार्केट बंद होते वक्त 26 लाख शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे NSE पर, और BSE पे अराउंड 7.5 लाख शेयर लगे हुए थे। तो अभी भी करीब करीब 30 से 35 लाख शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे, अगर ये आज नहीं लगे होते तो आज ही शेयर घूम सकता था। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि सेलिंग ऑर्डर मत लगाइए, अभी कभी भी शेयर घूम सकता है, और घूमने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका सेलिंग ऑर्डर ना लगाओ। आशा करते हैं कि मंडे या ट्यूसडे को शेयर घूम जाए, क्योंकि आज 62 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है जो कि जल्दी इसको घुमाकर अपर सर्किट में ले जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।